आप देख सकते हो कि आज माँ संपत शक्ति माता के दरबार की तरफ से आज जैसे कल कार्यक्रम था यहाँ, उसके बाद में यहाँ सभी को यहाँ संपत शक्ति माँ दरबार की तरफ से सभी को गिफ्ट समझ लो या प्रसाद के रूप में एक जैसे क्या क्या चीज़ में लड्डू गोपाल की ड्रेस है और भगवान की कैप है और वो नेपी भी है और एक बांसुरी नहीं है ये वो है नहीं बांसुरी नहीं है ये है बांसुरी नहीं ये भगवान जो हाथ में रखते थे गायों को घेरने के लिए वो डांडी वो है और टोफी है उसका इसका नाम कुछ और है वैसे इसका नाम हाँ आप देख सकते हैं हाँ इसको कुछ और बोलते हैं हाँ नहीं ये तो टोफी है ये तो टोफी है हाँ नारियल की जो सुबह है तो अब हम आंटी जी से बात करेंगे। आंटी जी यहाँ नियमित रूप से आते हैं आज यहाँ एक आंटी जी की संपत सत्य में है कि एक हमारे साथ में आज एक आंटी जी और हैं इनको प्रणाम करता हूँ। आंटी जी हमारा चैनल रतनगढ़ धार्मिक है और नियमित रूप से हमें धार्मिक कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। मैं यहाँ कंटिन्यू लगभग भी 2 महीने से यहाँ आरती लगभग डेली यहाँ आपको प्रणाम कंटिन्यू देखो आंटी जी मैं लगभग भी कंटिन्यू 2 महीने से ये लगातार आरती जो है यहाँ सभी को लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप ऐसे भक्तों जो नियमित रूप से आप आते हो और आप भी आते हो और ये गुड़िया भी आती है और आप भी आंटी जी आते हो और ये गुड़िया आज मेरे ख्याल नहीं आई है ना और आप कंटिन्यू आते हो और भी जैसे भक्त कई आते हैं लेकिन आज वो हमें थोड़ा आरती में लेट हो गई चले गए वहाँ तो आप जैसे यहाँ आते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? आपका नाम क्या है? मेरा मंजू शर्मा है। मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ और यहाँ मुझे अच्छा लगता है। मन भगवान अपने आप बुलाती है और आके यहाँ पे देख दर्शन करती हूँ तो सोचती हूँ थोड़ी देर और बैठी रहूँ लेकिन बस भगवान की कृपा से सब ठीक है। यहाँ आप कहाँ के हो? यहाँ रतनगढ़ की हो बाहर की? रतनगढ़ की हूँ। मैं रहती हूँ दिल्ली। हाँ जी तो मैंने ये सुना था आपने कहा था मेरे तो आरती के बाद में जाने का जी नहीं करता। सही बात है कि हाँ सही बात है। मन करता है यहीं बैठे रहे देखते रहे लेकिन बस घर में काम 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 काज होता है इसे जाना पड़ता है। चलो जी और ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ कुछ इन 2 महीने में जैसे कंटिन्यू आप आ रहे हो कुछ ऐसा लगा कि भाई मेरी मनोकामना पूर्ण होगी या ऐसा कुछ लगा? मैं तो देखो 15-20 दिन से आ रही हूँ। अच्छा ये भाभी जी है ये मैंने 2 महीने से आ रही ये आज है लेकिन नहीं अच्छा ही हुआ है। भगवान माता ने अच्छा ही किया है अच्छा ही किया है हमारे। देखो इन्होंने बताया भी ये लगभग भी 15-20 दिनों से आ रहे हैं। आंटी जी एक और है वो 2 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं उनसे मुलाकात किया तो आपका देखो जी रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी आपका। तो एक आंटी जी और हमारे प्रणाम करते हैं आंटी जी आपको। आंटी थोड़ा यहाँ आइए आप। तो आप तो कंटिन्यू आ रहे हो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आप वैसे प्रॉपर कहाँ के हो? यहीं के हो बाहर के हो? यहाँ पर है। हाँ क्या नाम आपका? उर्वशी जोशी। उर्वशी जोशी जी तो जैसे यहाँ आरती देखने आते हो आप आपको कोई बुलाता है अपने आप आते हो? मैं अपने आते हो। कैसा लगता है? बढ़िया लगे। और क्या कहना चाहोगे? नहीं वो तो माता जी ने दर्शन हो जाना तो बढ़िया। अच्छा आज आपको जैसे ये भगवान की तरफ से प्रसाद मिला है कैसा लगा आपको?
अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो धन्यवाद जी। और आंटी जी आप थोड़ा सा बोलोगे? देखो ये आंटी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और ये भी नियमित रूप से आप तो कंटिन्यू 2 महीने से आ रहे हैं ना? 2 महीने से तो आ रहे हैं, हमेशा ही आते हैं वैसे तो। अच्छा अच्छा, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। अच्छा, यहाँ माता जी 1 साल कंटिन्यू आ रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जैसे आप यहाँ आते हो और भी भक्तों को यहाँ जोड़ो, क्योंकि इस ये जो संपत्ति शक्ति माता जी है ना, इनका भी लोगों को मालूम नहीं है। देखो जैसे मालूम है, आप मेरे को नहीं जानते तो आप मेरे से कैसे बोलोगे, ठीक है ना? तो आप इनको जानोगे तभी तो लोगों को बताओगे यहाँ मंदिर है, ठीक है? तो औरों को जोड़ो आप। और जरूर, क्या कहना चाहोगे? एकदम बढ़िया है, इनकी थोड़ी आते हैं, मन में शांति मिलती है। अच्छा अच्छा, और मंदिर कैसा लगता है? मन भी अच्छा लगता है, मेरे तो गोड़ों में दर्द है इसलिए बोलती हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे आते रहूं, मेरे गोड़ों का दर्द जाता रहे, यही बात करते रहते हूँ बस माई को आती हूँ तो। हाँ चलो, ये मनोकामना शायद हो सकता है जरूर। क्या नाम है आपका? सुनीता रिणवा। सुनीता रिणवा जी, तो आंटी जी आपका धन्यवाद। और ये देखो, ये तो गुड़िया, ये तो क्या बोलेंगे, मेरे ख्याल से आप आओ आंटी जी। हाँ देखो, ये आंटी जी मेरे ख्याल इनका घर तो बिल्कुल सामने है, इनको मैं कंटिन्यू जाना मत बेटे एक बार, इनको मैं कंटिन्यू लगातार मैं देखता हूँ। आंटी जी आप आते हो, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या नाम आपका? सरोज सोनी। सरोज सोनी, पहले हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक में सरोज सोनी जी का मैं स्वागत करता हूँ, और संपत्ति शक्ति माँ की एक बार जयकार लगाना चाहूँगा। बोलो संपत्ति शक्ति माता की जय। तो आप यहाँ आते हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरा, मैं पहले जयपुर जाने की मेरा था मन, लेकिन फिर ऐसे हुआ कि यहाँ पे जागरण वगैरह लग रहा है तो अपन देख के ही जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। हाँ तो कल आप कह रहे थे, मैं आप बोल रहे थे आरती के अंदर मैं कल जयपुर जाऊंगी। है अच्छा, एक बात हो, परसों और अमाउस को 3 तारीख को फिर प्रोग्राम है? हाँ नहीं, मैं अभी नहीं जा रही, मैं संडे को जाऊंगी। कल ऐसे बोला था ना, मंगल पाठ भी है 7 तारीख का, तो वो भी देख के ही जाऊंगी अब मैं। हाँ, और कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई आपने संपत्ति शक्ति माता जी से कोई आपने प्रार्थना की है कोई? हाँ मैंने मन्नत मांगी है। अच्छा, चलो अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप चढ़ाना इसके और कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है भी कुछ भी नहीं चढ़ाना, आपको सिर्फ बताना है चैनल के ऊपर आपके मनोकामना पूर्ण। बताऊंगी मैं, जरूर बताऊंगी मैं। चलो जी धन्यवाद आपका जी। तो क्या नाम था आपका? सरोज सोनी। सरोज जी सोनी का रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत है। दीदी आ सकते हो आप? देखो ये एक दीदी है, छोटी सी बच्ची है, ये नियमित रूप से, वैसे तो ये भगवान शंकर जी की मैं कहता हूँ कि अनन्य भक्त है, और शिवालय पर डेली वहाँ नाग देवता के आगे सिर झुकाती रहती है, लेकिन यहाँ मंदिर में कंटिन्यू आती है। दीदी प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो मंदिर के अंदर जो भगवान से जुड़ जाता है उनका पद बड़ा हो जाता है, ठीक है? मैं तो भगवान के आगे बच्चा ही हूँ, ठीक है? तो आप बता सकते हो आप डेली आते हो, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के, माँ के आगे ना, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं यहाँ पे बोलती रहती हूँ, माँ ये कर दो वो कर दो। अच्छा, यहाँ पे आके बैठने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका सांखला है। दीपिका सांखला, तो आपने कुछ मन्नत मांगी? जो नहीं, अभी तक मन्नत मांगी नहीं है, पर माँ सुन लेती है, पहले ही पूरा हो जाता है। अच्छा, तो आप पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, यहीं पास में गए? दूर आपका? नहीं, मैं यहाँ रहती, मतलब रहती तो सुजानगढ़ हूँ, यहाँ पे ननिहाल है। हाँ। चलो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आते हो। मैं तो कहता हूँ संपत्ति शक्ति माता जी आपकी जो भी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। हाँ जरूर। आपका मैं हमारे चैनल रतन धार्मिक स्वागत करता हूँ। तो आप सभी का ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि आज आपको मैंने संपत्ति शक्ति माता जी की आरती भी दिखाई, इन भक्तों से वार्तालाप भी हुई। अब भी यहाँ अमाउस को भी यहाँ बड़ा प्रोग्राम होगा, शायद 3 तारीख को प्रोग्राम होगा, वो हम लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। और नियमित रूप से हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, कार्यक्रम शेयर कीजिए। मैं रतन वर्मा, चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ से, धन्यवाद। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक।